हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कंटेंट स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ ओली त्यागी। पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने इसका सबक सिखाते हुए पाकिस्तान में घुसकर आतंक के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। अब नई और ताज़ा जानकारी ये है कि इस घटना पर बड़े पर्दे पर फिल्म बनाई जाने वाली है, जिससे संजय लीला भंसाली और भूषण कुमार जैसे बड़े नाम जुड़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म को अभिषेक कपूर डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने केदारनाथ बनाई थी। भंसाली और भूषण कुमार के अलावा महावीर जैन भी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। जी हाँ, ये वही महावीर जैन हैं जिन्होंने पिछले दिनों फिल्मी दुनिया के कई स्टार्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस साल के बीच में ही इस फिल्म पर काम शुरू हो जाएगा। इंडियन आर्मी के शौर्य को पहले से ही इंडियन ऑडियंस ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है और यही रीजन है कि सर्जिकल स्ट्राइक 1 पर बनी फिल्म उरी को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक 2 पर फिल्म बनाने और राइट्स खरीदने में निर्माताओं ने काफी जल्दी भी दिखाई है। आपको बता दें कि 26 फरवरी को बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें 200 से 300 आतंकियों का सफाया हो गया था। ये फिल्म वायुसेना के उसी साहस को सलाम करने के लिए बनाई जाएगी। हालांकि फिल्म की स्टार कास्ट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि भंसाली और भूषण कुमार जैसे नाम जुड़ने के कारण अब इस फिल्म में ए लिस्ट के स्टार शामिल हो सकते हैं। हाल ही के दिनों में ये भी खबर आई थी कि फिल्म और टीवी सीरियल बनाने वाले निर्माताओं ने पुलवामा से लेकर बालाकोट तक और बाद में विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की वापसी तक को फिल्मी जामा पहनाने का फैसला किया है। इस कड़ी में इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन में बालाकोट, पुलवामा द डेडली अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, वॉर रूम और हाउ इज द जोश जैसे टाइटल भी रजिस्टर किए गए हैं। तो ये थी जानकारी आने वाली फिल्म सर्जिकल स्ट्राइक 2 से जुड़ी हुई, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।